नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लेकर आएंगे और आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास मैं लेने जा रहा हूं। ये विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आमतौर पर औरंगजेब के मृत्यु के साथ शुरू हो माना जाता है, किंतु हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ पर पुर्तगालियों के आगमन से करेंगे, विदेशी कंपनियों के आगमन से करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया, भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए, किस प्रकार से ये हुआ, और बारी बारी से सभी विदेशी कंपनियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में क्यों हुआ, तो विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में इसलिए हुआ क्योंकि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। और अगर दूसरी बात हम समझें तो विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में मसाले की बड़ी डिमांड थी और विदेशी कंपनियाँ मूल रूप से ऐसे देश की खोज में थी जिसके साथ मसालों का व्यापार किया जा सके। और आपको भली बात ही मालूम है कि हमारा भारत मसालों के लिए अत्यधिक जाना जाता है, मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारा भारत। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से विदेशी कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों ने किस प्रकार से अपने व्यापार को फैलाया, किस प्रकार से अपनी फैक्ट्रियों को लगाया। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स बनने वाला है, ये बहुत बेहतर नोट्स बनने वाला है। आप मेरे साथ नोट्स भी धीरे धीरे बनाते चलिएगा, लास्ट में मैं समय दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार करना और मूल रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत के साथ व्यापार करना। इसी उद्देश्य को लेकर के पुर्तगाली से लेकर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जितने भी आए वो भारत में आए, और सबसे पहले जिन विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में व्यापार करने की पद्धति को शुरू की। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है यहाँ से कि पुर्तगालियों ने किस रास्ते का चयन किया था भारत में आने के लिए, तो इसका नाम बोला जाता है कि जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का मानचित्र अगर यहाँ बनाकर आपको समझाऊं, तो भारत का मानचित्र बनाकर अगर मैं समझाता हूँ तो आपको भली बात ही मालूम है कि इधर जो है वो स्पेन यूरोप का इलाका है और यूरोप के सबसे पूर्वी देश यानी कि पुर्तगाल एक छोटा सा इलाका है स्पेन में, और यहाँ से पुर्तगाली निकल कर आए और इस रास्ते के सहारे आपको मालूम है कि यहाँ पर अफ्रीका महादेश बचा हुआ है। अफ्रीका से होते हुए इस रास्ते के सहारे पुर्तगाली केरल के कालीकट तट पर सबसे पहली बार पहुँचे थे और पुर्तगालियों ने यहाँ अपना सबसे पहली बार पदार्पण किया और सबसे पहली बार पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार के लिए आए। अब थोड़ा सा समझ ले कि पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली शुरुआत में अपनी कंपनी को लेकर नहीं आए थे, एक पुर्तगाली को भेजा गया था जिसका नाम था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत का खोजकर्ता इन्हीं को कहा जाता है, भारत की खोज इन्होंने ही की थी, इस चीज़ को आप जानिए। और इनके व्यापार करने का मूल उद्देश्य था कि मसालों का व्यापार हो। आप इस बात को समझिएगा कि किस प्रकार से वास्को डिगामा के बारे में अगर बात करें तो ये 17 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर पहुंचे। उस समय कालीकट के जो राजा थे उनका नाम जमोरिन बताया जाता है, जमोरिन थे, बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उनका नाम जमोरिन था और जमोरिन ने इनका स्वागत किया। स्वागत भी इसलिए किया क्योंकि जमोरिन जो थे वो मुस्लिम विरोधी थे और जमोरिन एक ऐसे व्यापारी संगठन का अपने यहाँ स्वागत करना चाहते थे जो किसी भी प्रकार से उनकी सत्ता को आगे बढ़ाए, उनके हाथों को मजबूत करे, इसलिए जमोरिन ने इनका स्वागत किया वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा और जमोरिन के बीच में एक दुभाषी था। दुभाषी का अर्थ होता है जो वास्को डिगामा की भी बातों को जाने और जमोरिन की भी बातों को जाने। वो एक दुभाषी था, नाम था उसका अब्दुल मानीद, या कहीं कहीं आपको माजीद भी मिल सकता है। अब्दुल मानीद ने ही इनके बीच में एक तरह से
व्यापार को लेकर के बातचीत को साझा करवाया था, एक तरह से कहा जाए तो वास्को डिगामा का साथ दिया था। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसकी सहायता से वास्को डिगामा ने भारत पर कालीकट पहुंचे थे, जमोरिन से बातचीत किया था, तो अब्दुल मानिद या अब्दुल माजिद, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वास्को डिगामा यहाँ सबसे पहले गोलकी का व्यापार करने आया था। आप गोलकी के बारे में जानते हैं, गोलकी को यवनिका प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। गोलकी एक प्रकार से उच्च किस्म के मसालों में गिनती आता है और वास्को डिगामा ने यहाँ से गोलकी का व्यापार प्रारंभ किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे लगभग 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ, 60 गुना 60 टाइम्स। और इस मुनाफे को देखकर वास्को डिगामा बहुत खुश हुआ और इस बात को उसने अपने शासक को बताया। उस समय पुर्तगाल का जो शासक था वो इमैनुएल द्वितीय थे, इमैनुएल फर्स्ट थे। उन्होंने इस कंपनी को आदेश दे दिया, उन्होंने ये नियम बनाया कि अब मैं एक कंपनी को कहाँ भेजूंगा, भारत भेजूंगा, और उस कंपनी के द्वारा ही पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार होगा। और उस कंपनी का नाम इन्होंने दिया एस्टाडो द इंडिया। ये कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी का नाम था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इमैनुएल द्वितीय ने जब ये इस बात को कहा तो उसे सभी लोगों ने, पुर्तगालियों ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी। कई बार ये बीपीएससी जेपीएससी में इस चीज़ को पूछा जा चुका है कि वाणिज्य के प्रधान की उपाधि किसने धारण की थी, पुर्तगालियों के किस राजा ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी, तो इमैनुएल द्वितीय ने। एक नाम यहाँ पर देखा जाता है पेड्रो अल्ब्रोस कैबरोल, ये भी एक पुर्तगाली ही था। जैसा कि आप लोग जानते हैं संत कोलंबस के बारे में, वो भी एक पुर्तगाली ही थे। इन लोगों को देशों की खोज करने के लिए कहा गया था, नई दुनिया की खोज करने के लिए कहा गया था। अब ये नई दुनिया की खोज का अर्थ क्या है, तो नई दुनिया की खोज का अर्थ था कि जिसके साथ वो व्यापार कर सके और मसालों का आदान प्रदान हो और बहुत सारे ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान हो जिससे यूरोप अपरिचित है, इसीलिए उसको नई दुनिया कहा गया था। पेड्रो अल्ब्रोस कैबरोल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही ब्राजील की खोज की थी। ब्राजील के खोजकर्ता के रूप में कैबरोल को जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भारत के खोज के लिए कि इन्होंने 13 जहाज को जमोरिन को गिफ्ट कर दिया था, 13 जहाज को जमोरिन को गिफ्ट कर दिया था, इसलिए इनका नाम यहाँ पर जानना आवश्यक हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में समझिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या वास्को डिगामा 1498 में ही भारत आए, तो वास्को डिगामा सिर्फ 1498 में भारत नहीं आए थे, उनका द्वितीय अभियान भी हुआ था। दूसरी बात, अब बताइए कि किसी भी व्यक्ति को अगर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा किसी भी चीज़ से हो तो वो व्यक्ति उसी देश में व्यापार करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, तो बस इसीलिए वो दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार वो आ गए द्वितीय अभियान में 1502 ईस्वी में। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि दूसरी बार वास्को डिगामा के साथ एक व्यक्ति आया था अल्बुकर्क, जो काफ़ी बाद में आपको अभी पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा वास्को डिगामा के लिए और पुर्तगाली कंपनी के लिए, एस्टाडो द इंडिया के लिए, कि दूसरी बार जो अल्बुकर्क आया था उसने क्या क्या वर्क किया। आगे यही गवर्नर भी बनेगा पुर्तगालियों का, ठीक है। 1503 में पुर्तगालियों ने ही पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था कोचीन में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था, तो 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी कोचीन में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगालियों के द्वारा विभिन्न गवर्नरों को बनाया गया, गवर्नर जनरलों को बनाया गया, और किस प्रकार से पुर्तगालियों ने भी एक अपनी शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी भारत में, आइए जानते हैं। तो पुर्तगाली गवर्नर के बारे में अगर हम पढ़ें तो पुर्तगाली गवर्नर के बारे में सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर बना उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आप धीरे धीरे इसका नोट्स भी बनाते जाएं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि इसके बाद नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये संपूर्ण नोट्स है, एक तरह से बहुत बेहतर तरीके से ये
रिसर्च करके एक तरह से निकाला गया है, बहुत सारे पुस्तकों से पढ़ करके, नोट्स से पढ़ करके इसको निकाला गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक का इनका कार्यकाल था और ये भारत में पुर्तगाली गवर्नरों में इनका पहला स्थान आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में कहा जाता है। अब समझिए कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया भारत में। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। क्या था ये ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, नीला जल सिद्धांत को इन्होंने परिचित किया भारत में। ब्लू वाटर पॉलिसी एक तरह से समझिए कि आपको बता दे कि उस समय कहा जाता था कि जिसने समुद्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया वही भारत जैसे देशों पर राज्य करेगा। इसलिए इन्होंने समुद्रों पर कानून बनाया और उसको ब्लू वाटर पॉलिसीज के नाम से जाना गया। आपको इस चीज को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लाया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाया था। इसने मिस्र, गुजरात और तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बहुत डीप का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मिस्र, गुजरात और तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था, तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करवाई, इसी के समय में हुआ था 1505 में कुन्नूर। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहाँ स्थापित हुई, तो कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो 1505 में कुन्नूर में स्थापित हुई। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरे जो गवर्नर हुए इनके, पुर्तगालियों के जो दूसरे गवर्नर हुए, वो पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक का रहा। अब इनके बारे में समझिए आप कि ये वही अल्बुकर्क है जो वास्को डिगामा के साथ भारत आए थे 1502 में, और इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा था कि अल्बुकर्क का नाम आप ध्यान में रखिएगा। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कहा जाए तो इसने अपना जो मुख्यालय है, पुर्तगाली मुख्यालय, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, कोचीन में स्थापित किया। कोचीन अभी केरल में है, इस चीज को आप जानिए। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, तो आइए जानते हैं हम। 1510 में इसने आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, और गोवा उस समय बहुत मायने रखता था व्यापार के लिए, गोवा बहुत फेमस जगह भी हुआ उस समय, इसलिए यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। यहां पर ध्यान रखने योग्य यह बात है कि गोवा को इन्होंने छीना था, गोवा को राजधानी इन्होंने नहीं बनाया था। यही कंफ्यूजन बहुत बार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा को इन्होंने राजधानी नहीं बनाया, गोवा को सिर्फ छीना इन्होंने, है ना, आदिल शाह से। 1511 में इसने मलक्का जल संधि पर अपना आधिपत्य कर लिया। 1515 में अरबुस जल संधि पर इसने आधिपत्य कर लिया। जब आपको भूगोल पढ़ाया जाएगा तो मलक्का जल संधि और अरबुस जल संधि दोनों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से आप जानिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, जिन्होंने हिंदुओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगालियों को। इनका मानना था कि आप हिंदू स्त्रियों से विवाह करें, इसलिए विवाह करें क्योंकि ये मुस्लिम समर्थक नहीं थे। पहली चीज तो ये हुआ कि मुस्लिमों से इन्होंने विवाह के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये मुस्लिम समर्थक नहीं थे। दूसरा, हिंदुओं से विवाह करने के लिए इसीलिए इन्होंने प्रोत्साहित किया क्योंकि भारत के दिल में ये बस सके, भारतीयों के दिल में बस सके और एक तरह से भारत के अंश बन सके, इस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं से विवाह को प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट इनके बारे में जानना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ये पहले ऐसे पुर्तगाली गवर्नर हुए जिन्होंने भारत के धार्मिक स्थिति में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और ये पहले ऐसे पुर्तगाली गवर्नर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि जिन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। पुर्तगाली गवर्नर में ये पहला गवर्नर होगा जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी ये क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक लगाया इन्होंने। अगले जो गवर्नर बने हैं वो नीनो डी कुन्ना है। देखिए, इनके बाद आपको दिख रहा होगा कि 1515 से सीधा हम 1529 में आ गए, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ध्यान में रखना है आपको कि इनके बाद दो चार और गवर्नर बने,
जिन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, अब जिनके बारे में जो विशेष कार्य होता है वही तो हम करेंगे, वही तो हमको पढ़ना है, वही तो हमको नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जानना है कि नीनो दी कुन्हा के बारे में। ठीक है, 1529 से 1538 तक इनका कार्यकाल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीनो दी कुन्हा के बारे में कि इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाई, पुर्तगाली कंपनीज की राजधानी बनाई, पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गोवा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हम यही चीज समझा रहे थे कि आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना किसने था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने छीना था। लेकिन गोवा को राजधानी किसने घोषित कर दिया, तो नीनो दी कुन्हा ने कर दिया। और नीनो दी कुन्हा के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पढ़ना है कि इन्होंने सेंथोमे, हुगली, बसीन, दमन और दीव और अदन जैसी जगहों की स्थापना की थी। इन जगहों की स्थापना नीनो दी कुन्हा ने की थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को समझिए, इसका मनन कीजिए, साथ साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चले, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं कुछ समय के लिए हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि अब ये क्लास आपका रेगुलर प्रत्येक दिन शाम में अपलोड हो जाएगा। आप इसको देखें, महत्वपूर्ण रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का पहले पार्ट हम लोगों ने शुरू किया है, उसके बाद झारखंड का भी हम लोगों ने, एक प्रकार से झारखंड आपके 5 से 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा इसका। आप साथ साथ हमारे साथ लिखते चले, बहुत बेहतर होगा। यही पढ़ने का तरीका है, यही तरीका है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फांसो डी सूजा के बारे में। इनका कार्यकाल 1542 से 1545 तक का था। इन्होंने लगभग 3 साल वायसराय के तौर पर बिताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फांसो डी सूजा के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फांसो डी सूजा के समय में सेंट जेवियर, जिनके नाम पर आज इंडिया में जगह जगह पर संत जेवियर स्कूल बनाए गए हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, संत जेवियर इन्हीं के समय में आए थे, अल्फांसो डी सूजा के समय में ही आए थे। एक पुर्तगाली थे वो और संत जेवियर इन्हीं के समय में आए। दूसरा चीज इनसे बड़ा महत्वपूर्ण पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है और अल्फांसो डी सूजा के समय में भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया और प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर परिचित हुआ। ये क्वेश्चन जो था आपके जेपीएससी में पूछा गया था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जेपीएससी 7th JPSC में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है और ये अल्फांसो डी सूजा के समय में भारत में आया था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भारत में पुर्तगालियों ने परिचित करवाया भारत को, जैसे कि अनानास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनानास पुर्तगालियों की देन है, पपीता पुर्तगालियों की देन है, आलू पुर्तगालियों की देन है, लाल मिर्च, बादाम, काजू, तंबाकू और शकरकंद। तंबाकू से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, जब हम आप लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि तंबाकू का क्या योगदान था, किस प्रकार से जहांगीर ने ही तंबाकू के उत्पादन की अनुमति दी थी पुर्तगालियों को और किस प्रकार से जहांगीर ही वैसा शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिए। यानी कहने का अर्थ है कि हम ही छूट भी देंगे और हम ही बंद भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तंबाकू किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगालियों के पराजय का कारण हुआ। बाद में और भी वायसराय बने पुर्तगालियों के, लेकिन उतने महत्वपूर्ण काम इन्होंने नहीं किया। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगालियों की पराजय हुई, क्या कारण था पुर्तगालियों के पराजय होने का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कारण दिखेगा कि पुर्तगालियों के पराजय का, कि जब डच आए, अभी हम आप लोग को बताएंगे कल के क्लास में कि डच जब आए तो डचों ने पुर्तगालियों से प्रतिद्वंदिता की और डचों से ये पुर्तगाली हारते चले गए, क्योंकि डचों के पास शक्ति अधिक थी, सैन्य शक्ति काफ़ी अधिक थी डचों के पास। दूसरा, पुर्तगालियों पर स्पेन का अधिकार था। आज आप जानते हैं कि पुर्तगाल एक अलग राष्ट्र है, लेकिन जिस समय ये व्यापार हो रहा था, 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का बात किया जा रहा है, कि जिस समय ये व्यापार हो रहा था उस समय पुर्तगाल
स्पेन के अधीन था, बहुत छोटा सा देश है पुर्तगाल, आप जानिए इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेन के अधीन था पुर्तगाल, इस चीज़ को आप समझिए। और स्पेन के अधिकार में होने के कारण ये अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाते थे, यही कारण था इनके पराजय का। तीसरा, इनकी कूटनीतिक विफलता। कूटनीतिक विफलता का अर्थ होता है कि इन्होंने जो मार्केट पॉलिसी अपना रखा था, जो एक तरह से व्यापार का नियम रखा था, या तो कूटनीति रखा था कि किस प्रकार से मुगल बादशाहों से बात करना है और किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को ये करना है, इसलिए इनकी कूटनीतिक विफलता भी एक बड़ा कारण बनी इनके पराजय का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आइए पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानें, जो आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में और आने वाले अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी मायने रखेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ध्यान से देखिए, क्रूसेड एक वर्ड होता है, मे भी आगे के एग्जाम में पूछे, और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत अच्छा यहाँ पर है कि क्रूसेड क्या होता है। तो ईसाई, आपको भली बात ही मालूम है कि भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ, आपको मालूम है कि 712 ईस्वी में अरबियों का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के रूप में, और उस समय से अरबी भारत में व्यवस्थापित थे, अरबी उस समय से भारत से व्यापार कर रहे थे। आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भली बात ही मालूम होगा, जिसने दाहिर प्रथम को मार दिया और एक उत्पात इतना खतरनाक मचाया कि 17 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को इसने कत्ल करवा दिया। बहुत मार्मिक दृश्य था वो, बहुत क्रूरतापूर्ण इसका निर्णय था। खैर, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि पुर्तगालियों के बारे में, तो जिस समय पुर्तगाली भारत में आए, 1498 का बात किया जा रहा है वास्को डी गामा के रूप में, उस समय अरब व्यापारियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती था। और चूंकि आप भली बातें जानते हैं कि किसी भी व्यापार को करने के लिए अगर प्रतिद्वंद्विता आती है तो मार्केट का रेट गिर जाता है। इकोनॉमिक्स में हम ये सब सारे चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे कि मार्केट का रेट गिर जाता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, है ना, कि किस प्रकार से अगर किसी बाजार में सपोज कीजिए कि करेला है, अगर एक ही जगह पर करेला है और एक ही व्यक्ति उस करेला को बेच रहा है, तो वो जैसा चाहे वैसा डिमांड वो ग्राहक से ले सकता है। लेकिन अगर करेला मार्केट में बहुत जगह है तो उसमें ग्राहक को फायदा हो जाता है और व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान होता है, इस चीज़ को समझिए। और यही पुर्तगालियों के आने से अरबियों में हुआ, मुस्लिमों में हुआ। और ध्यान से समझिएगा कि क्रूसेड क्या होता है, जो ईसाई और मुस्लिमों के बीच में, बेसिकली अरबों के बीच में, जो अरबों के बीच में, अरबों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी को हम लोग क्रूसेड कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरा पॉइंट यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा जाएगा आपसे, कि कारखानों के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, हम लोगों ने पढ़ा कि 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई और दूसरी बार कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित हुई, तो ये जो फैक्ट्रियों के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपका आंसर वायसराय हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। कारखानों के जो सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त होते थे, वो कारखानों के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट नियुक्त करते थे, जो उस समय के पुर्तगाली सम्राट थे, सम्राट नियुक्त करते थे कारखानों के सर्वोच्च अधिकारी को, इस चीज़ को समझिएगा। आइए जानते हैं कार्टेज व्यवस्था क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये सब पॉइंट, इस चीज़ को आप जानिएगा, है ना। कार्टेज व्यवस्था क्या है, तो कार्टेज व्यवस्था क्या होती थी, इस चीज़ को भली भांति आप समझिए। देखिए, इस बैच का उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है, इस चीज़ को समझिए आप, इस चैनल का उद्देश्य है कि एक बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाए, एक बेहतर जीएस का पोर्शन दिया जाए, ताकि आपको किसी भी बैच में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप ध्यान से समझिएगा कि कार्टेज व्यवस्था क्या थी पुर्तगालियों की, कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो वो भारतीय नाविकों से ही कुछ क्या लेते थे, धन लेते थे, और धन लेकर के उनको लाइसेंस प्रदान करते थे। अगर ऐसा लाइसेंस किसी नाविक ने नहीं लिया, किसी भारतीय नागरिक ने, आप इस बात को अच्छे से लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ऑफलाइन के क्लासेस में यही होता है, बेहतर होती है ऑफलाइन की क्लासेस, इसलिए क्योंकि वहां पर नोट्स बनवाए जाते हैं और बेहतर होता है, इसीलिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है ऑफलाइन की क्लासेस। आप इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिएगा कि कार्टेज व्यवस्था क्या थी, कि पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय नाविकों से और भारतीय नावों से, पोतों से
कुछ पैसा लेकर के उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता था। अगर वो लाइसेंस नहीं लेते थे तो उस परिस्थिति में पुर्तगाली ही इनके नाव को लूट लेते थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इस चीज़ को आप जानिएगा। कार्टेज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद जानिए कि अकबर के बारे में मेडिवल हिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि अकबर पुर्तगालियों से सबसे पहले 1572 में मिला था और इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ अकबर इन लोगों से, पुर्तगालियों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि आपको बता दें कि आपको ये मालूम है कि 1578 में अकबर ने धर्म संसद की गठन किया था और उस धर्म संसद में वो सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था। इसलिए आपको बता दें कि 1580 में इसने एक निमंत्रण पत्र भेजकर 2 ईसाई पादरियों को अपने यहाँ बुलवाया था। बहुत डीप का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रोडक्लेफो एक्वाकिया और एंटोनियो मानसरेट, ये 2 ऐसे पादरी थे जो अकबर के दरबार में गए थे और 1580 में ये गए थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले आया भी और सबसे बाद में गया भी, यानी सबसे अधिक दिनों तक भारत में रहने वाले व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली ही थे 1498 से 1971 तक। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्टार लगा लें आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और अंतिम जो वायसराय हुआ पुर्तगालियों का, जो गोवा के वायसराय थे, वो थे मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन जानिए यहाँ से कि इन्होंने जो हुगली बंदरगाह की स्थापना की थी, आपको हम बताए थे नीनो दे कुन्हा, नीनो दे कुन्हा के बारे में बताए थे कि हुगली बंदरगाह की इसने स्थापना की थी, हुगली को स्थापित किया था नीनो दे कुन्हा ने। और इस चीज को जानिए कि हुगली बंदरगाह ही है जिससे पुर्तगाली जो थे वो समुद्री लूटपाट करते थे। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में इसको पूछ चुका है कि किस प्रकार से, कौन सा ऐसा पुर्तगाली बंदरगाह था जिसको स्थापित किया गया था लूटपाट के उद्देश्य से, तो वो हुगली था पश्चिम बंगाल में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छा करें आप, इस चीज को ध्यान में रखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।